हेलो सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई एम मुहिब सर एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टू चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1.1 दैट इज पोएम and chapter number 1.2, which were very interesting. This chapter is also very interesting, and this chapter is also a very knowledgeable chapter. ये chapter में आपको बहुत सारा knowledge मिलेगा एक bird के बारे में जिसका नाम है Bustard. अब ये bird जो है इसके यहाँ पर autobiography है. Autobiography क्या होता है? जब कोई person अपने ही बारे में जब किसी को बताता है कि उसकी लाइफ किस तरीके से चल रही है और कैसे उसने लाइफ को स्पेंड किया है और कैसे उसने सर्वाइव किया है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब वो ऐसी कोई चीज़ें लिखता है अपने ही बारे में, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मतलब कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खुद हमें बता रहा है कि ये कैसा बर्ड है और क्या करता है। ओके, हकीकत में ये बर्ड नहीं बोल रहा है, बट हमने ये इमेजिन कर लिया है कि बर्ड जब अगर बोलता तो यही सारी बातें करता हमारे से। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये बताया कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है। हम ये चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे ये किसी बर्ड ने खुद ने अपने बारे में बताया है। ये तो एक राइटर ने बताया है, बट फिर भी हम लोग इसको इसी तरीके से लर्न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। अब स्टार्ट में ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा भारी बर्ड इंडिया में है जो उड़ सकता है, भारी मतलब वजनदार। वेल फ्रेंड्स, इट्स मी। अब यहाँ पर एक बर्ड बता रहा है कि फ्रेंड्स, ये मैं हूँ। कौन? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यस स्टूडेंट्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो सबसे हैवी बर्ड है जो उड़ सकता है इंडिया में, इसलिए उसको नाम भी दिया है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये बस्टर्ड खुद बोल रहा है, ऐसे बताया गया है। क्या बोल रहा है वो? आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे बहुत गर्व है कि मुझे लोग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से बुलाते हैं। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। वो बता रहा है कि मेरे 30 अलग अलग नाम है अलग अलग लैंग्वेज में। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। इन मराठी आई एम नोन एज मालडोक और हुम। तो मराठी में मुझे क्या बुलाया जाता है? मालडोक या फिर हुम। आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 feet इन हाइट। अब वो बोल रहा है कि मेरा वज़न 18 किलो तक के हो सकता है, इतना हैवी हो सकता हूँ मैं, और मेरी जो हाइट है वो अगर मैं खड़े रहूँगा तो 4 feet से तक हो सकती है। 4 feet, आप लोगों की भी हाइट 4 feet तक होगी। रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर, मैं आप लोगों के कंधों तक आ सकता हूँ या फिर मैं आपसे भी ऊँचा हो सकता हूँ। आई हैव गेट अ लॉन्ग वाइट नेक। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक। मेरा जो गला है, नेक है, वो लंबा है और वाइट है। ब्राउन विंग्स, मेरे जो पंख है वो ब्राउन कलर के हैं। टॉल येल्लो लेग्स, और मेरे एक लंबे, दोनों लंबे येल्लो कलर के लेग्स है। एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, और अपने सर पे एक ब्लैक कलर की कैप है। एक्चुअली वो बर्ड के सर पे कैप जैसी चीज़ है जो ब्लैक कलर की है, इसलिए उसको ब्लैक कैप बोलते हैं। माई वाइफ मिसिस बस्टर्ड इज स्मॉलर। मेरी जो वाइफ है मिसिस बस्टर, वो मेरे से छोटी है एंड स्लिमर, और पतली दुबली भी है। देन आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइड। अब वो बोल रहा है कि मिसिस बस्टर इज़ स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम, मेरे से छोटी और पतली भी है, स्लिमर मतलब पतली, और उसके नेक जो है एंड आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइड, और उसका जो गला है वो वाइट नहीं है। बट आई हैव हियर्ड ह्यूमंस से डैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव।
पर मैं कुछ लोगों को, इंसानों को बात करते हुए देखा है कि हम लोग दोनों जो है बहुत ही इम्प्रेसिव दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं हम लोग बहुत ही। ये बर्ड ने हमको पहले पैराग्राफ में बताया अपने बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि बर्ड ने अपने बारे में कैसे अपने आप को वेरीफाई किया है, जस्टिफाई किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने उनके बारे में बताया कि कितना उनका वेट है और कितनी उनकी हाइट हो सकती है और कैसे कलर है उनका, नेक वाइट है, येलो लेग्स है, इस तरीके से उन्होंने उनके बारे में बताया। अब आगे देखते हैं वो क्या बताते हैं। आई लिव ऑन ग्रास लैंड एंड डेजर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिनकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स। अब वो बता रहे हैं कि मैं ग्रास लैंड या डेजर्ट वाले एरिया पे रहता हूँ। ग्रास लैंड मतलब जहाँ पर सूखी हुई घास या थोड़ी घास होती है, और डेजर्ट जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में मैं रहता हूँ। और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी रहते, बहुत सारे दोस्त इंक्लूड किया उसने नाम, चिनकारा, ब्लैक बक और लार्क्स, लार्क्स भी बर्ड है, ये लोगों के साथ मैं रहता हूँ। आई ईट एवरी थिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजर्ट्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब बता रहे कि मैं क्या खाता हूँ। आई ईट एवरी थिंग, जो भी चीज़ें मिलती मैं खाता हूँ, जैसे कि स्नैक्स खा लेता हूँ, लिजर्ट्स खा लेता हूँ, और छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे बेरीज होते हैं और दूसरे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी मैं खा लेता हूँ। डैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, ये मेरी बहुत ही अच्छी हैबिट है, हेल्दी हैबिट है खाने की। बट ग्रास होपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम, लेकिन ग्रास होपर्स और बीटल जो है वो मेरा फेवरेट फूड है। ग्रास होपर्स आप लोग को जानते होंगे, टिड्डे जैसे होते हैं वो, और बीटल जो है वो मेरा फेवरेट फूड है। तो ये दोनों चीज़ उसको बहुत पसंद है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, तो वो दोनों चीज़ वो बहुत अच्छे से खाता है। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गैदर एट आवर फेवरेट ग्रास लैंड वेयर देर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बता रहे हैं कि जब बारिश शुरू होती है तो हम लोग सब, वो और उसके फ्रेंड्स जो चिनकारा, ब्लैक बग, हम सब इकट्ठा होते, ऑल गैदर का मतलब है इकट्ठा होना, हम सब इकट्ठा होते ग्रासलैंड के पास जहाँ पर कोई ह्यूमंस ना हो, कोई पीपल ना हो, कोई लोग ना हो हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माय नेक। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बताता है कि मैं एक डांस परफॉर्म करता हूँ, मैं हवा जो है अपने गले में भर लेता हूँ। उनके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गले के नीचे वाले हिस्से में एक पाउच जैसा है, पाउच मतलब एक पैकेट जैसा बोलते हैं ना हम लोग, ऐसी जगह है जिसमें वो हवा भर लेता है, अपने गले के निचले वाले हिस्से में वो हवा भर लेता है। इसलिए उसने बताया कि आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग, गल्पिंग मतलब निगल लेना, हवा को अंदर ले लेना, इन ए स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माय नेक। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेसोनेटिंग साउंड। अब ये जो पाउच है ये हेल्प करता है एक अजीब सा अलग सा आवाज़ निकालने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए हेल्प करता है। साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ, जैसे कि गाय जो है काउ जैसी आवाज़ निकालती है वैसे ही ये भी आवाज़ निकाल पाता है उस पाउच की वजह से। और आवाज़ कैसी होती है, हुम हुम, इस तरीके से आवाज़ वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आई डांस इन जॉय विथ पफ्ड आउट फैदर एंड कॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप्ड डाउन विंग्स। अब बोलता है कि मैं डांस करता हूँ खुशी से, जॉय से, जब मैं पफ्ड करता हूँ फैदर को। फैदर को पफ करना मतलब जो फुला लेते हैं फैदर को, मैं अपनी डुमची को ऊपर कर लेता हूँ, कॉक्ड अप टेल का मतलब है। एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, मैंने अपने पंख को लहराते हुए मैं डांस करता हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, और इसी से मैं अपने सोलमेट, सोलमेट मतलब उसकी वाइफ, उनको मैं इम्प्रेस करता हूँ ऐसे डांस करके। ओके, यू नो डैट वी बर्ड्स ले एग्स ऑन आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। अब बोलता है कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो बर्ड्स हैं, हम लोग एग्स देते हैं, मतलब हम लोग अंडा देते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं यंग वंस मतलब हमारे बच्चे जो वो उसी अंडे को खोल कर बाहर आते हैं, हैच आउट ऑफ एग मतलब उस अंडे को खोल कर बाहर आते हैं, ये तो आप लोग जानते हो। मदर GIB मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मदर GIB, मतलब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो मदर होते हैं ना, जो वो लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली, और वो जो है सिर्फ एक ही अंडा देते डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे देते हैं वो लोग।
इसका मतलब वो लोग घोंसले में अंडा नहीं देते, नॉर्मली बर्ड्स जो है वो घोंसले में अंडा देते हैं। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने, वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, हम लोग जो है नेस्ट बनाने पे बिलीव नहीं करते, मतलब घोंसला बनाने पे बिलीव नहीं करते हैं। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब वो बोल रहे हैं कि पर हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है, एक स्पेशल हमारे पास एक तरीका है जिससे हम जो है हमारे अंडे को प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से बचा लेते हैं। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन, तो हमारा जो अंडा है वो एक स्टोन की तरह दिखता है, पत्थर की तरह दिखता है। मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक, बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो मॉनिटर लिजर्ड्स है, मॉनिटर लिजर्ड्स मतलब जो बड़ी हम लोग बोलते हैं ना बड़ा छिपकली जैसे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, वो क्या करता है, वो फॉक्सेस, डॉग, पीग, स्नेक, ईगल, ये सब जो है हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन है, और ये हमारे अंडा और हमारे बच्चे को खाना चाहते हैं। तो इससे जो है इससे प्रोटेक्ट करते हैं माई वाइफ मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो वाइफ है वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने अंडे को, अपने बच्चे को इन लोगों से, ये जो दुश्मन है इन लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, अब जब तक के वो बच्चा जो है उस अंडे से बाहर नहीं आता है तब तक के रेन्स अराइव, बारिश आ जाती है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वर्मिंग विथ इंसेक्ट्स, और जब बारिश आती है तो वहाँ पर बहुत सारे घास होती है और घास पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब कीड़े आ जाते हैं। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, और हमारी फैमिली के लिए वो क्या बन जाता है, फ्रेश फूड बन जाता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर। अब क्या होता है, नॉर्मली बर्ड जो है वो अपने घोंसले से एक साल के अंदर ही उड़ जाते हैं, और वो जो बच्चा होता है अंडे से बाहर निकलता है वो भी बहुत जल्दी उड़ जाता है, लेकिन ये लोग जो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो है वो स्टे रहते कम से कम एक साल तक अपने साथ रहते हैं। नेस्ट वाले जो बर्ड्स है वो जल्दी उड़ जाते हैं, कुछ एक महीने के अंदर 15 दिन में जब बच्चा उड़ने लग जाता है तो ये लोग भी साथ में उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे के साथ ही रहते एक साल तक कम से कम। द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर, और जो बच्चा है चिक्स मतलब द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा जो अंडे से बाहर आया है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी हैबिट जो है अपनी मदर से सीखता है इस दौरान। ओके आगे लिखा है, यू मे हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आवर्स डॉक्टर सलीम अली। हाँ बोल रहा है कि तुम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है और ह्यूमन है, वो हमारे दोस्त है, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। ही हैड इवन सजेस्टेड डैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटिफुल रिलेटिव द पीकॉक। तो सलीम अली जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो ऐसा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको नेशनल बर्ड बना दो, उसको पूरे अपनी कंट्री का नेशनल बर्ड बना दो, बट ये ऑनर जो है वो उन्हीं के रिलेटिव है पिकॉक, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है ना, तो पिकॉक को नेशनल बर्ड बनाया गया है। आई एम हैप्पी टू टेल यू डैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, हम बोल रहे कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताने के लिए कि मैं नेशनल बर्ड तो नहीं हूँ बट मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन बर्ड, सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। हम बोल रहे कि हमारे को बचाने के लिए जो है ना 10 सेंचुरीज बनाई गई है, सेंचुरीज जो बर्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए ना जगह जगह पर जैसे जू रहते हैं ना वैसे ही बनाया जाता है जिसमें बर्ड्स की देखभाल होती है, तो वो बनाए गए हैं, बट फिर भी निराशा इस बात की है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नंबर्स हैं, हम जितने लोग हैं ना वो कम होते जा रहे हैं, हम बर्ड्स कम होते जा रहे हैं। वी यूज्ड टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम जो है पूरी इंडिया में हर जगह पर रहते थे पहले, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। अब बोल रहे हैं लेकिन जैसे जैसे स्लो स्लो जो है लोगों की पॉपुलेशन, जो इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती गई,
तो हम लोगों को हमारे जो जगह है, घर है, वहाँ से हमको बाहर निकल जाना पड़ा। 90% जो हमारी जगह है वो हम ख़त्म हो गई, इंसानों ने ले लिया। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स डेट किल अस फॉर फन। और हमें डर लगता है जो इंसान जो है हमें सिर्फ उनकी एन्जॉयमेंट के लिए, उनके फन के लिए, उनकी मस्ती के लिए वो लोग हमारा शिकार करते हैं, हंटर करते हैं। वी ऑल्सो डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स डेट वी कैन नॉट सी वाइल फ्लाइंग। हम लोग जो है वो जो ऊपर वायर जो रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे भी अटक कर, उसमें भी फंस कर मर जाते हैं, उससे भी हमको डर लगती है, उसकी वजह से भी हम लोग कई बार मर जाते हैं। वी आर लूजिंग आवर होम्स टूडे, ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग जो है हम हमारे घर को छोड़ते जा रहे हैं, हम अलग होते जा रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में सिर्फ 200 हम लोग बर्ड्स रह गए हैं। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमें आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है, ताकि हम और रह सके इस दुनिया में, वरना हम इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। कैन यू हेल्प अस, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो? ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें बताता है, पूछ रहा है। यू कैन राइट लेटर टू आवर लीडर एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। अब वो बोल रहा है कि आप जो है लेटर लिख सकते हैं हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों को, और अपील करो उनसे, रिक्वेस्ट करो कि हमारी मदद करें, हम जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है बहुत कम रह गए, हमारी हेल्प करो। यू कैन मेक माई ड्राॅइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर, और आप मेरी एक ड्राइंग बनाकर अपने टीचर को सबमिट करो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताओ कि एक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है जो स्टेट बर्ड है राजस्थान का, वो कैसा है, उसके बारे में आप बताओ मेरे बारे में। यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, कम टू सी अस एट सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। अब आप लोग जो है हमारे जो बर्ड्स की सुरक्षा के लिए जो सेंचुरी बना है, वहाँ पर आके हमसे मिलो, अब आपको हम और कहीं तो नहीं दिखाई देंगे, हम वहाँ पर ही दिखाई देंगे। एंड हु नोज़ इफ़ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। और किसे पता है कि अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो शायद हम में से कोई भी बर्ड इस दुनिया में नहीं रहेगा, और आपको कभी भी हम लोग देखने नहीं मिलेंगे। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर, और आप लोग सिर्फ हमें फ़ोटोज़ में देख पाओगे, हकीकत में आप लोग हमें देख भी नहीं पाओगे कभी, अगर हम लोग नहीं बचे तो। तो ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये उनकी स्टोरी है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ड्राइंग करनी है और मुझे बताना है। आप एक रफ बुक लो, पेंसिल से द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ड्राइंग करो और उसे सेंड करो मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से उसके बारे में डिटेल्स करते हो। ओके, थैंक यू फ्रॉम मोहिब सर, एंड प्लीज़ बी सेफ और घर पे ही रहिए, और इस चैप्टर को एक बार अच्छे से लर्न करिए, और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आप नेट पे, इंटरनेट पे भी सर्च करिए, इसके बारे में और भी आप लोगों को नॉलेज होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव फन।